हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2021। 27 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया। इस पंख के अंग्रेजी शब्दों के स्टैंड की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पी मतलब सुरक्षा, ए मतलब जागरूकता, के अधिकारों के बारे में जागरूकता, एन मतलब पोषण, के मतलब ज्ञान और एच मतलब हेल्थ के लिए स्टैंड करते हैं। ये सभी जरूरी चीज़ें इस योजना में शामिल है ताकि सभी स्तर पर लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। यह अभियान 1 साल तक चलेगा। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला जी। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीता रमैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये है मैप में मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेएस मास्टरी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 32। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया। बच्चों के यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति के लिए 7, नवाचार के लिए 9, शिक्षा क्षेत्र में 5, 7 बच्चों को खेल, 3 को बहादुरी और 1 बच्चों को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए दाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। भारत अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। एनवीडी 2021 का विषय है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, अर्थात मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और जानकार बनाना। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्राग में 2010 में अमेरिकी और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 2011 में लागू हुई थी। न्यू स्टार्ट संधि का औपचारिक नाम रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी और सीमित के लिए उपाय है। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध नौकरशाह कवि और हैदराबाद के इतिहासकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र लूथर जी का। प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह नरेंद्र लूथर का के शासकों के इतिहास और संस्कृति से निकटता से संबंधित थे। उन्होंने 1991 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले विभिन्न पदों पर काम किया था। उन्होंने हैदराबाद के इतिहास, विरासत और वास्तुकला पर कई किताबें लिखी हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे नरेंद्र
लूथर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसराइल। इसराइल ने यूएई की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है। यूएई और इसराइल अगस्त 2019 में संबंधों को समान करने के लिए सहमत हुए थे। वहीं बहरीन, सूडान और मोरक्को सभी खाड़ी देश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के नेतृत्व में 2020 में किए गए सौदों में इसराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे। चलिए अब आपको इसराइल के बारे में बताते हैं। बात करें इसराइल का गठन, इसराइल का कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट है रेवन रेवलिन। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो इसराइली न्यू साइकिल। इंडिपेंडेंट डे 14 मई। हाईस्ट माउंटेन है माउंट अर्मन। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल। एनिमल है गजल्ले। बर्ड है उपोई। फ्लावर है साइक्लम पर्सिकम। पार्लियामेंट नेम है जीनट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं मैप में इसराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व जज रंजन गोगोई जी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को केंद्र सरकार दी है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद जेड प्लस भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। इस श्रेणी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान होते हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के इस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुमार संगकारा। श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा को आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के मौजूदा प्रेसिडेंट कुमार संगकारा पर राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की संपूर्ण क्रिकेट इकोसिस्टम पर नज़र रखने की जिम्मेदारी होगी। इसमें कोचिंग स्ट्रक्चर, ऑक्शन प्लान्स, टीम स्ट्रेटजी, टैलेंट डिस्कवरी एवं डेवलपमेंट इत्यादि शामिल है। श्रीलंका के लिए कुमार संगकारा ने 28,000 से अधिक रन बनाए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, यह आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है कुमार संगकारा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस राज्य की किशोरी सृष्टि गोस्वामी एक दिवसीय सीएम बनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। वह बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है। हरिद्वार के रुड़की में दौलतपुर गांव में रहती है। इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंजूरी मिली थी। एक दिवसीय मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रशस्त किया है और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं सृष्टि गोस्वामी जी। चलते हैं अब आपको उत्तराखंड के बारे में आते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी जी। फर्स्ट गवर्नर एसएस बरनाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रवि मालीमाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उस रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने लगभग 3.5 किलोमीटर की एक इकाई के रूप में मालगाड़ियों के 5 रेक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वासुकी नाम इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की। 5 मालगाड़ियों के लंबे हॉल रैक के 300
वैगनों से युक्त वास्तविक एक पायलट और एक साइक्लोको पायलट और एक गार्ड की मदद से चली थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही किसने राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए BSF। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसा 21 जनवरी से 27 जनवरी 2021 तक के लिए शुरू किया गया है। BSF की बात करें तो BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। विकास में शिक्षा भूमिका के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। इस बार का थीम है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द COVID-19 जनरेशन। चलिए अब आपको जनवरी माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जनवरी को था ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 23 जनवरी को पराक्रम डे और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी को राज्य के 71वें स्थापना दिवस पर उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की। ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला युवा किसान सभी का विकास है, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमन एंड फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट CM गोविंद वल्लभपंत जी, फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। बात करें उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिविजन करते हैं। उन्नीकृष्णन नंबूतिरी, जो कि मलयालम अभिनेता थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने और लोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने शपथ ली। बात करें उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हो गया। सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है। बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मास्क्रेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत के मेघालय राज्य में सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। बात करें अर्जुन मुंडा जी ने वर्चुअली श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। भारत और फ्रांस देश के बीच डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास शुरू हुआ। DRDO स्वदेशी विकसित फ्लाइट SAAW का सफल परीक्षण किया। बात करें एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस AURA क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटडी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी हावड़ा कालका मेल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस
कब मनाया गया, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।